हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। सो टुडे वी विल रीड द थर्ड चैप्टर फ्रॉम द बुक बी हाइव एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज लिटिल गर्ल विच इज़ रिटन बाय कैथरीन मैंसफील्ड। एंड हु वॉज कैथरीन मैंसफील्ड? शी वॉज अ प्रोमिनेंट मॉडर्निस्ट राइटर हु वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन न्यूजीलैंड। सो ये जो चैप्टर है लिटिल गर्ल, ये लिखा है कैथरीन मैंसफील्ड, जो कि इनकी राइटर हैं, जो कि कहाँ पर, जो कि एक मॉडर्निस्ट राइटर थी, और कहाँ पर बोर्न और ब्रॉट अप हुई थी, वो न्यूजीलैंड में। सो लेट्स नाउ स्टार्ट द चैप्टर। बिफोर यू रीड, चैप्टर को पढ़ने से पहले, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन वेन यू आर मच यंगर? परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजन्स फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस दैट यूज टू अपसेट यू अर्लियर। सो वट द राइटर इज सेइंग कि डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ, कि क्या आप अब अपने पेरेंट्स को अच्छे से जानते हो, देन वेन, पहले जब आप यंगर, जब आप और छोटे थे। परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजन्स फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस दैट यूज टू अपसेट यू अर्लियर। सो अभी आपको रीजन्स पता होंगे कि जो एक्शंस थे वो आपको अपसेट क्यों करते थे, आपके पास प्रॉपर रीज़न होगा। दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल्स हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन एको इन एवरी होम। एको मीन्स रिपीटेशन ऑफ साउंड, आवाज़ गूंजना। सो ये जो स्टोरी है वो किसके बारे में है? द स्टोरी इज़ अबाउट अ लिटिल गर्ल एंड द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ ऑल्सो द लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग। सो एक लड़की है, एक छोटी लड़की, जिसकी फीलिंग्स चेंज हुई किसके लिए? अपने फादर के लिए, फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग, भय से समझ, मतलब अंडरस्टैंडिंग, मतलब उनकी एक जो जो उनका एक रिलेशन था फादर एंड डॉटर का, वो पहले फियर, वो जो लड़की थी वो डरती थी, इसका मतलब यही हुआ टू अंडरस्टैंडिंग। बाद में क्या हुआ, वो अपने फादर को समझने लग गई। विल प्रोबेबली फाइंड एन एको इन एवरी होम। सो हम सभी ये जो स्टोरी है इसको रिलेट कर सकते हैं। कुछ लोग अपने फादर से डरते हैं, कुछ अपने मदर से, कुछ अपने ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर। सो जब हम बड़े होते हैं, जो हमारा रिलेशन है, जो हमारा रिलेशनशिप है अपने फैमिली मेम्बर से, वो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, मतलब हम ज़्यादा समझने लग जाते हैं जैसे ही हम बड़े होते हैं। सो फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन, टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। सो टू द लिटिल गर्ल, जो छोटी लड़की थी उनके लिए वो क्या थे? अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। अ फिगर टू बी फियर्ड मतलब अ पर्सन टू बी फियर्ड। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस, टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। सो एवरी मॉर्निंग, हर सुबह क्या होता था, बिफोर गोइंग टू वर्क, सो एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस। सो जो उनके फादर थे, बिफोर गोइंग टू वर्क, काम जाने से पहले वो क्या करते थे, जो गर्ल है, लिटिल गर्ल है, वो उनके रूम में आते थे और उनको वो कैजुअल किस देते थे, टू विच रिस्पॉन्डेड, जो लिटिल गर्ल है वो रिस्पॉन्ड करती थी कि गुड बाय फादर, विच मीन्स जो फिगर, अ फिगर टू बी फियर्ड है, ये कौन है? फादर हैं किसके? लिटिल गर्ल के। एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइस ऑफ द कैरिएज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। और जो लिटिल गर्ल थी उनको एक सेंस ऑफ रिलीफ, उनको रिलीफ मिलता था जब उनके फादर काम पर जाते थे और जब उनकी जो कैरिएज है उनकी आवाज़ जो फेंटर, मतलब जब वो एकदम फेंट होने लगती थी, तो वो और ज़्यादा रिलीफ महसूस करती थी। कौन? जो लिटिल गर्ल थी। द सेकेंड पैराग्राफ, इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्रॉइंग रूम, हैजंट द पेपर कम येट, मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। सो इन द इवनिंग, जब इवनिंग में फादर आते थे, व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, हु इज शी? लिटिल गर्ल। सो जब उनके फादर शाम को आते थे, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, सो वो स्टेयरकेस के पास खड़ी होती थी और उनकी लाउड वॉइस सुनती थी हॉल के अंदर, ब्रिंग माई टी इन टू द डाइनिंग रूम,
और वो ऑर्डर करते थे कि मेरी चाय लेके आओ ड्राइंग रूम में, हैजंट द पेपर कम येट, और वो पूछते थे कि क्या पेपर नहीं आया, न्यूज़पेपर, अखबार. मदर, गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स. सो जो उनकी मदर थी वो लिटल गर्ल को बोलती थी कि गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स. कैजिया, मदर वुड कॉल टू हर. सो जो मदर हैं वो कॉल करती कैजिया. सो जो लिटल गर्ल है उनका क्या नाम था? कैजिया. इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स. सो उनकी मदर उनको बोल रही हैं कि कैजिया, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल, कि अगर तुम अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आओ और अपने फादर के बूट्स टेक ऑफ करो, उनको रिमूव करो. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द होल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर. सो जो केजियाँ हैं वो क्या करती हैं? इफ़ यू आर अ गुड गर्ल, सो उनकी मदर बोलते हैं कि अगर तुम अच्छी लड़की हो तो जल्दी से नीचे आओ और अपने फादर की. सो स्लिप डाउन मीन्स कम डाउन क्वाइटली एंड अनविलिंगली. सो व्हेन हर मदर कॉल्ड केजिया, व्हाट शी डू, शी स्लोली, द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द होल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर. सो जो केजियाँ थी वो बहुत ही आराम से धीरे से नीचे आती हैं एंड अनविलिंगली. अनविलिंगली मतलब उनका मन नहीं होता. बाय दैट टाइम ही हैड स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल. बाय दैट टाइम ही, हु इज ही हेयर, केजियाज फादर, जो उनके फादर थे लिटिल गर्ल के, उन्होंने वो स्पेक्टिकल्स लगा लिए होते हैं और वो देखते हैं केजिया की तरफ. एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, मतलब जो केजिया है उनको वो, जो उनका स्पेक्टिकल्स लगा के जैसे ही वो उनको देखते हैं तो केजिया को उनसे डर लगता है. वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, हैव यू बीन अ गुड गर्ल टूडे. सो केजियाज फादर बोलते हैं कि वेल केजिया, हरी अप, कि जल्दी करो और ये जो बूट्स हैं वो पुल ऑफ करो and take them outside, और इनको बाहर लेके जाओ. Have you been a good girl today? So his father is asking question कि have you been a girl, good girl today? So I don't know father. So केजिया reply करते हैं कि I don't know father. और ये जो word है देखिए, IDDDONT, मतलब which means that she is mumbling, मतलब एक ही चीज़ को वो बार बार repeat कर रही हैं. क्यों? क्योंकि उनको अपने फादर से डर लगता है, इसलिए वो क्या कर रही हैं. जैसे जब हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है तो हम क्या अटक अटक कर बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा नर्वस हों. तो सेम जो केजियाँ हैं उनको अपने फादर से डर लगता है और वो क्या बोल रही हैं, अटक अटक कर बोल रही हैं. यू डोंट नो, इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर. स्टटर मीन्स वही अटक के बोलना. सो उनके फादर बोलते हैं कि अगर तुम ऐसे अटक कर बोलोगी तो क्या होगा, तुम्हारी मदर को डॉक्टर के पास लेके जाना होगा तुम्हें. शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, हैड क्वाइट गिवन इट अप, बट ओनली विद फादर, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली. सो जो राइटर है वो बोल रहे हैं कि जो केजिया है, जो लिटिल गर्ल है, शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, विच मीन्स कि वो और लोगों के साथ स्टटर्ड नहीं करती, बट वो फादर के साथ ही स्टटर्ड करती हैं, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली. व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रिच्ड अबाउट. मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड. हेयर केजिया, कैरी अप टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली. सो जो उनके फादर हैं वो बोलते हैं कि व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट. मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड. सो वो जो फादर हैं वो केजिया की मदर को बोलते हैं कि आई विश, कि मैं विश करता कि तुमने इस चाइल्ड को सिखाया होता नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड. ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड मतलब अबाउट टू कमिट सुसाइड. हेयर केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली. He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. So, जो father हैं उनको describe कर रहे हैं कि he was so big. और जो उनके हाथ और जो गर्दन है, especially his mouth when he yawned. सब क्या है? Size उनका मतलब बड़ा है. Thinking about him alone was like thinking about a giant.
फोर्थ पैराग्राफ है, ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर. सो संडे आफ्टरनून में क्या हुआ, जो उनकी ग्रैंड मदर हैं उन्होंने केजिया को सेंट किया कहाँ पर, ड्राइंग रूम के अंदर, टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, ताकि वो अपने मदर और फादर से क्या एक अच्छे से बात कर सकें. बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा, हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग. सो जब भी वो अपने पेरेंट्स के पास जाती, उनके पेरेंट्स बिजी होते थे, ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, उनकी जो मदर हैं वो पढ़ती रहती थी और जो फादर हैं वो रिलैक्स कर रहे होते थे ऑन द सोफ़ा. और जो उनका हैंडकरचीफ है, जो उनका हैंकी है, वो उनके फेस पे होता था. और उनका फीट, जो वन फीट है, जो उनका एक पाँव है, वो कुशन, जो बेस्ट कुशन है घर के अंदर, उसके ऊपर होता था. स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, वो सो रहे होते थे आराम से, साउंडली एंड स्नोरिंग, खराटे लेके. शी सैट ऑन अ स्टूल, ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेस्ड एंड आस्क द टाइम, देन लुक्ड एट हर. सो जो केजिया हैं वो स्टूल पर बैठ जाती हैं, ग्रेवली, ग्रेवली मीन सीरियसली होके वो वॉच कर रही हैं. शी वॉज वॉचिंग हिज फादर, शी वॉज वॉचिंग हर फादर अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच एंड आज द टाइम. जैसे ही उनके फादर उठते हैं और वो टाइम पूछते हैं, डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटल ब्राउन आउल. सो वो बोलते हैं कि डोंट स्टेयर सो, कि ऐसे मत देखो केजिया, ऐसे घूरो मत, यू लुक लाइक, तुम कैसे दिख रही हो, ब्राउन आउल की तरह, उल्लू की तरह. वन डे व्हेन शी वॉज कैप्ट इनडोर्स विद अ कोल्ड, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ येलो सिल्क. सो एक दिन क्या हुआ था, व्हेन शी वॉज कैप्ट इनडोर्स विद अ कोल्ड, जब केजिया को कोल्ड हुआ तो उनको घर रहना पड़ा, तो उनकी ग्रैंड मदर ने सजेस्ट किया कि दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, कि उनके जो फादर का बर्थडे है वो अगले वीक है, एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन. और उनकी ग्रैंड मदर ने बोला कि तुम एक कुशन बनाओ उनके बर्थडे के लिए, गिफ्ट आउट ऑफ ब्यूटिफुल पीस ऑफ येलो सिल्क. लेबोरियसली विद अ डबल कॉटन, मतलब विद लॉट ऑफ एफर्ट एंड डिफिकल्टी, जो लिटिल गर्ल हैं स्टिच थ्री साइड्स, बट वट टू फिल इट विद, उन्होंने थ्री साइड्स को स्टिच किया, बट उन्होंने सोचा केजिया ने, लिटिल गर्ल ने, कि इसके अंदर क्या फिल करूँ. दैट वॉज द क्वेश्चन. द मदर, द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी वंडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स. ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, गैदर्ड देम, टोर देम अप इन टू मैनी पीसेज एंड स्टफ्ड हर केस, देन सीड अप द फोर्थ साइड. सो उन्होंने क्या, जो ग्रैंड मदर हैं वो ढूंढने लग गई, सर्च करने लग गई गार्डन के अंदर, एंड शी वंडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स. और जो लिटिल गर्ल हैं वो कहाँ पर, मदर्स के बेडरूम में गई, कि जो कुशन के अंदर जो फिल करना है उसको ढूंढने के लिए, स्क्रैप्स. ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर. सो उन्होंने बेड टेबल के ऊपर बहुत सारे पेपर्स देखे, उनको इकट्ठा किया, उनको टोर किया, उनको फाड़ दिया और उसको स्टफ कर दिया कुशन के अंदर. दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस. ह्यू एंड क्राई मीन्स एंग्री प्रोटेस्ट. फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट. रूम्स वर सर्च्ड, सर्वेंट्स क्वेश्चन्ड, फाइनली मदर केम इन टू केजियास रूम. सो उसी दिन रात को जो फादर की जो स्पीच थी, जो पेपर था, वो गायब हो जाता है, जो उनको कहाँ देना था, पोर्ट अथॉरिटी में. सो सभी रूम सर्च कर रहे थे, सर्वेंट्स को क्वेश्चन किया गया, फाइनली जो मदर हैं वो केजिया के रूम में गए. केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आर रूम. ओ यस, शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज. सो केजिया बता देती हैं कि जो पेपर्स थे वो उसने टोर, फाड़ दिए, और फादर के सरप्राइज के लिए. What screamed mother, come straight down to the dining room this instant, and she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. So जो उनकी mother हैं वो चिल्ला के बोलते हैं कि what, क्या, तो तुरंत वो केजिया को वहाँ पर ले जाती हैं जहाँ उनके father होते हैं. Well, he said sharply,
सो जो फादर हैं वो बोलते हैं कि वेल, मदर एक्सप्लेन्ड, ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड. सो जो मदर हैं वो सारा सिनेरियो एक्सप्लेन करती हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ. जो केजिया हैं वो बेडरूम का जो टेबल है उस पर जो पेपर से उन्होंने वो फाड़ दी हैं और अपने कुशन के अंदर जो स्क्रैप है वो फिल कर दिया है. सो डिड यू डू दैट? सो हिज फादर इज आस्किंग क्वेश्चंस टू केज फ्रॉम केजिया दैट डिड यू डू दैट कि क्या आपने किया ये. नो, शी विस्पर्ड. सो केजिया रिप्लाई करती हैं कि नो. विस्पर्ड मतलब एकदम धीरे से बोलना. मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट. सो जो मदर हैं वो अपने रूम में जाती हैं और नीचे लेके आती हैं कि देखो इसने क्या किया. क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द शेडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ लिटल सैड लिटल पैटर्न ऑन द फ्लोर. देन फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड. सो उनके फादर क्या करते हैं, केजिया के रूम में जाते हैं रूलर लेके. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सैड. और उनके फादर बोलते हैं कि जो तुमने किया इसके लिए मैं तुम्हें बीट करूँगा, मारूँगा. ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ. सो जो केजिया हैं वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, चिल्ला के बोलती हैं. और वो कहाँ छिपी होती हैं, हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स. ही पुल्ड देम असाइड, सिट अप ही ऑर्डर्ड. सो उनके फादर ऑर्डर करते हैं कि सिट अप एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ दो. यू मस्ट बी टोट वंस एंड फॉर ऑल Not to touch what does not belong to you. So उनके फादर बोलते हैं कि तुम्हें ये सिखाना चाहिए कि जो चीज़ें तुम्हें बिलोंग नहीं करती उसको तुम्हें टच नहीं करना, हाथ नहीं लगाना. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. सो जो केजियाँ हैं वो अपना एक्सप्लेनेशन दे रही हैं कि मैंने आपके बर्थडे के लिए ये सब किया. डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटल पिंक पाम्स, और उसके जो छोटे हाथ हैं, पिंक पाम्स हैं, उन पे वो रूलर लगता है. आर्स लेटर व्हेन ग्रैंडमदर हैड रैप्ड हर इन अ शॉल एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी. सो कुछ घंटे बाद जो उनकी ग्रैंडमदर हैं वो उनको रैप करके शॉल के अंदर जो चेयर होती है उसके अंदर वो अपने पास लेके बैठ जाती हैं. व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी सॉब्ड. सो जो केजिया हैं वो अपनी ग्रैंडमदर को बोलते हैं कि भगवान ने क्यों फादर को बनाया. हेयर्स अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, गो टू स्लीप, पैट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग. आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट. सो जो उनकी ग्रैंड मदर हैं वो उनको हैंकी देती हैं और वो बोलते हैं कि ब्लो योर नोज, कि अपनी नाक साफ करो, सोने जाओ, गो टू स्लीप, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, सुबह तुम ये सब भूल जाओगी. सो उनकी मदर बोलते हैं कि मैंने कोशिश करी तुम्हारे फादर को समझाने की बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, बट वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट थे सुनने के लिए आज. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट. नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड द रेड कलर फ्लू इन टू हर चीक्स. सो जो चाइल्ड है, जो बच्चे हैं, वो ये सब कभी भूलते नहीं हैं. नेक्स्ट टाइम जैसे ही उन्होंने केजिया ने अपने फादर को देखा, उसने अपने दोनों हाथ पीछे कर लिए. शी पुट्स हर हैंड बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इन टू हर चिक्स. और उनके जो गाल हैं वो रेड हो गए. क्यों? फियर के कारण, वो डर गई. द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, दे हैड अ 5 children. सो जो मैकडोनल्ड हैं वो क्या है, नेबर्स हैं केजिया के, और उनके 5 बच्चे हैं. लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सो देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग. टैग मीन्स एक गेम होता है, अ चिल्ड्रंस गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर. द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन ऑफ हिज कोट पॉकेट्स, रैन अराउंड एंड अराउंड द फ्लावर बेड्स शेकिंग विद लाफ्टर. वंस शी सॉ द बॉयज टर्न द हाउस होस ऑन हिम एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम. सो जो केजियाँ हैं वो ये सब ऑब्जर्व कर रही थी कि जो ये मैकडोनल्ड हैं, इनके जो फादर हैं, ये कितने अच्छे हैं, ये अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं. सो शी वॉज ऑब्जर्विंग ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ हिज नेबर्स. देन इट वॉज शी डिसाइडेड देर वॉज अ डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर. सो वो डिसाइड करती हैं कि जो फादर फिगर है, जो फादर्स, जो पापा होते हैं, वो सब अलग अलग होते हैं. सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल. सडनली एक दिन क्या हुआ, जो केजिया, जो लिटिल गर्ल की जो मदर हैं, जो उनकी माँ हैं, वो बीमार हो जाती हैं और एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल. और वो और उनकी ग्रैंड मदर हॉस्पिटल जाती हैं. द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक.
जो लिटिल गर्ल केजिया हैं वो अकेली रह जाती हैं, अकेली पड़ जाती हैं घर के अंदर किसके साथ, एलिस जो कि क्या है कुक हैं, खाना बनाते हैं उनके घर में। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। वो बोलते, राइटर बोल रहा है कि दिन में तो सब ठीक था, बट ये देखिए ये इनके नेबर्स हैं, ये मैकडोनल्ड हैं और ये अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, एंड शी इज़ अ केजिया। ये देखिए ये केजिया ये क्या ऑब्जर्व कर रही है सारी एक्टिविटीज़। और फिर वो बोलते हैं कि जो फादर हैं वो भी अलग अलग तरह के होते हैं। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। सो जो एलिस जो कुक है, जैसे ही रात को वो एलिस उसको केजिया को सुला रहे थे, जो केजिया है वो एकदम से डरने लगी। वट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइट मेयर, शी आस्ट। आई ओफन हैव नाइट मेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड, आई कॉन्ट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट्स विस्परी। सो जो केजिया है वो बोलते हैं कि मैं क्या करूँगी अगर मुझे बहुत ही बुरा सपना आया। आई ओफन हैव नाइट मेयर्स, मुझे बहुत मतलब सपने आते हैं बहुत बुरे, और जब मुझे आते हैं तो ग्रहणी मुझे क्या करती है, अपने बेड पर अपने बिस्तर पर ले जाती हैं, और मैं यहाँ अकेली नहीं सो पाऊँगी, इट ऑल गेट विस्परी। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। सो जो एलिस कुक हैं वो क्या बोलती हैं, इंस्ट्रक्ट करती हैं कि यू जस्ट गो टू स्लीप, कि तुम सोने जाओ, और वो उनकी सॉक्स को रिमूव करती हैं और वो बोलती हैं, इंस्ट्रक्ट करती हैं कि डोंट यू स्क्रीम, कि स्क्रीम मत करना वरना तुम अपने पापा को जगा दोगी। But the same old nightmare came, the butcher with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile. Why she could not move, could only stand still, crying out, Grandma, Grandma. She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. Butcher क्या होता है, जो a person who sells meat. So जो केजिया हैं उनको वो यू जो उनको same dream आता है, वही dream उनको आया कि जो butcher है वो नाइफ के साथ उनके पास आ रहा है, उनके हाथ में रस्सी है, एंड विद अ ड्रेडफुल स्माइल, और वो एकदम से चिल्लाती हैं कि ग्रैंडमा ग्रैंडमा, और वो उठती हैं, शिवर कर रही होती हैं, वो कांप रही होती हैं, और वो पाती हैं कि जो उनके फादर हैं वो उनके साइड में हैं और उनके हाथ में कैंडल है। व्हाट्स द मैटर ही सेड, सो जो फादर हैं वो केजिया को बोलते हैं कि क्या बात है। ओ अ बुचर अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी। सो केजिया रिप्लाई करती हैं कि ओ अ बुचर, मतलब वो इतनी डरी हुई होती हैं वो पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाती, वो लिखती हैं ओ अ बुचर, कि एक बुचर था, नाइफ था, और मुझे ग्रैनी चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम। सो उनके फादर हैं वो कैंडल को बुझाते हैं, झुकते हैं और केजिया को अपने आर्म्स में लेते हैं, और कहाँ लेके जाते हैं, अपने बेडरूम में। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, ही पुट अवे द पेपर, देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, ही ले डाउन बिसाइड हर, हाफ स्लीप स्टिल स्टिल विद द बुचर स्माइल ऑल अबाउट हर, इट सीम्ड। सो जो उनके फादर हैं वो नाइसली केजिया को कवर करते हैं। शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, क्रेप्ट मीन्स मूव क्वाइटली, स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट। वो अपने फादर को जोर से पकड़ती हैं, देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल। अब जो डार्कनेस है, जो रूम की जो डार्कनेस, जो अंधेरा है, वो मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि केजिया को अब, जो लिटिल गर्ल है उसको अब डर नहीं लगता, कंफर्टेबल लगता है। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वॉर्म, सेट फादर। सो जो फादर हैं वो केजिया लिटिल गर्ल को बोलते हैं कि तुम अपने पाँव मेरे पाँव पर रब करो और इनको गर्म करो। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल। सो जो फादर हैं वो इतने ज़्यादा थके हुए होते हैं, वो जो लिटिल गर्ल है केजिया है उस उनके सोने से पहले ही खुद सो जाते हैं। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, सो पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल। सो एक फ़नी फीलिंग केजिया के माइंड में आती है, वो बोलते हैं कि पुअर फादर, बेचारे फादर, नॉट सो बिग, इतने भी बड़े नहीं हैं आफ्टर ऑल, एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और उनकी देखभाल करने के लिए भी कोई नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड। सो जो केजिया हैं वो रियलाइज़ करती हैं कि जो उनके फादर हैं वो इतने बिजी हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो मिस्टर मैकडोनल्ड बन सके, इसका मतलब कि वो अपने बच्चों के साथ खेल सकें। शी हैड टोन अप ऑल इज ब्यूटिफुल राइटिंग, शी स्टिर्ड सडनली एंड साइंड, व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड हर फादर, अनदर ड्रीम,
Oh, said the little girl, my hat's on your heart. I can hear it going. What a big heart you have got, father dear. So, जो उनके फादर हैं वो बोलते हैं कि अनदर ड्रीम, कि व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ केजिया, कि क्या तुम्हें एक दूसरा ड्रीम आया. ओ सेड द लिटल गर्ल माय हेड्स ऑन योर हार्ट, कि मेरा जो हेड है वो आपके हार्ट पर रखा है, दिल पर है. एंड आई कैन हियर इट गोइंग, और मैं जो ये हार्ट बीट है ये सुन सकती हूँ. व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट. सो जो केजी हैं वो अपने फादर को बोल रहे हैं कि आपका दिल कितना बड़ा है, फादर डियर, प्रिय फादर. सो ये देखिए, ये जो चैप्टर है वो कैथरीन मैंसफील्ड ने लिखा है. सो इसका कंक्लूजन क्या बनता है? सो जो लिटिल गर्ल चैप्टर है टीचेज अस हाउ अ लविंग एंड केयरिंग रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन कैन हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग द बॉन्ड एंड अटैचमेंट इन द फैमिली, कि कैसे अगर लविंग और केयरिंग रिलेशनशिप हो पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में, तो ये क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है रिलेशनशिप को. जो मदर और फादर, और जो मदर फादर का अपने बच्चों के साथ होता है, एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करता है. सो यही चैप्टर का कंक्लूजन है, कि कैसे जो पर्सपेक्टिव था केजिया का, लिटिल गर्ल का, अपने फादर के प्रति, वो कैसे चेंज होता है बाद में, और बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बन जाता है एंड में आके. नेक्स्ट वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. So thinking about the text, given below are some emotions that Kezia felt. Match the emotions in column with A with the item B. So ये कॉलम दिए गए हैं, A को B से मैच करना है. So इसका आंसर है fear और terror. So ये emotion है, ये किसके से related है, speaking to father. Glad sense of relief. इसका आंसर है father comes home. A funny feeling perhaps of understanding, going to bed when alone at home. Next है, answer the following questions in one or two sentences. ये जो question answers है इनको आपको one or two sentences में करना है. Why was Kezia afraid of her father? So जो Kezia है वो अपने father से क्यों डरती थी? So Kezia was afraid of her father because he was extremely strict and commanding. He never played with her. He used to give her a terrifying look over his spectacles. So जो उनके father थे वो बहुत ही ज़्यादा strict थे, commanding थे, और वो कभी उनके साथ खेलते नहीं थे. किसके साथ? Kezia, little girl के साथ. And he used to give her a terrifying look over his spectacles. Who were the people in Kezia's family? कौन कौन थे Kezia's की family में? Kezia's family comprised her father, mother, grandmother and herself. तो कितने लोग थे? चार लोग थे. Father, mother, उनकी grandmother और वो खुद. What was Kezia's father routine? Kezia father का routine क्या था? Before going to his office, से पहले क्या था, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस ऑन संडेज. सो आंसर है बिफोर गोइंग टू ऑफिस केजियाज फादर वुड कम टू केजियाज रूम एंड गिव हर अ गुड बाय किस. ऑफिस जाने से पहले केजिया के फादर क्या करते थे, केजिया को किस देते थे, गुड बाय किस. और आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस, ऑफिस आने के बाद घर पे क्या करते थे, ही वुड ऑर्डर हिज टी, टी को ऑर्डर करते, टू बी ब्रॉट टू द ड्राइंग रूम एंड वुड आस्क हिज मदर टू गेट हिज पेपर एंड स्लीपर्स. और वो केजिया की मदर को बोलते कि तुम न्यूज़पेपर और स्लीपर्स लेके आओ. ही वुड देन ऑर्डर केजिया टू टेक ऑफ हिज बूट्स, और वो केजिया को बोलते कि उनके जो बूट्स हैं, जो शूज़ हैं, वो रिमूव करने को, टेक ऑफ करने को. थर्ड है, ऑन संडेज ही वुड स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा विद हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, स्लीप एंड स्नोर. और वो एवरी संडे, संडे को क्या करते थे, वो स्ट्रेच आउट, रिलैक्स करते थे सोफा पे, हैंडकरचीफ, जो उनका हैंकी था वो उनके फेस पर होता था, उनका एक पाँव कुशन के ऊपर होता था, और वो सोते थे और स्नोर खर्राटे लेते थे. क्वेश्चन फोर है, इन व्हाट वेज डिड केजियाज ग्रैंड मदर एनकरेज हर टू गेट टू नो हर फादर बेटर. सो इन व्हाट वेज, किस तरीके में केजिया की जो ग्रैंड मदर है, उनकी जो दादी हैं, उन्होंने केजिया को एनकरेज किया कि तुम अपने फादर को अच्छे से जानो. सो केजियाज ग्रैंड मदर वुड एनकरेज हर टू नो हर फादर बेटर बाय आस्किंग हर टू गो डाउन टू द ड्रॉइंग रूम एंड हैव अ नाइस टॉक विद हर फादर. She also asked Kezia to stitch a pin cushion out of a beautiful yellow silk piece and give it to her father as a birthday gift present. So, उनकी grandmother ने बोला कि तुम नीचे जाओ, अपने parents से बात करो,
और उन्होंने ये भी आइडिया दिया कि तुम्हारे फादर का नेक्स्ट वीक बर्थडे है, उनको एक अच्छा सा प्रेजेंट दो, एक स्टिच करो पिन कुशन आउट ऑफ अ सिल्क, येलो सिल्क पीस, और वो अपने फादर को प्रेजेंट दो। डिस्कस दिस क्वेश्चन इन क्लास विद योर टीचर एंड देन राइट डाउन योर आंसर इन टू और थ्री पैराग्राफ्स ईच। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, केजिया's एफर्ट टू प्लीज हर फादर रिजल्टेड इन displeasing हिम वेरी मच, हाउ डिड दिस हैपन? सो जो केजिया का जो एफर्ट था कि वो अपने फादर को प्लीज करें, वो एक रिजल्ट हुआ, वो एक फेलियर रहा। हाउ डिड दिस हैपन, ये कैसे हुआ? सो केजिया स्टिच थ्री साइड्स ऑफ पिन कुशन, शी वॉज कन्फ्यूज एट वट टू फिल इन द कुशन विद, ग्रैंड फादर वॉज नॉट अराउंड, सो केजिया वेंट टू हर पेरेंट्स रूम टू आस्क हर मदर फॉर सम स्क्रैप, बट हर मदर वॉजन देयर इन द रूम। सो केजिया देन सो सम शीट्स ऑफ पेपर ऑन द बेड टेबल, शी कलेक्टेड दैम ऑल, टॉर दैम इन टू स्मॉल पीसेज एंड स्टफ द कुशन विद दोज पीसेज। हर एफर्ट्स टू प्लीज हर फादर रिजल्टेड इन डिसप्लीजिंग हिम वेरी मच, वेन एट नाइट हर फादर सर्च फॉर दोज शीट्स ऑफ पेपर ऑन द बेड टेबल, द शीट्स ऑफ पेपर हैड द स्पीच फॉर पोर्ट अथॉरिटी, हर फादर स्कोल्डेड एंड बीट हर विद अ रूलर फॉर टचिंग थिंग्स दैट डिड नॉट बिलोंग टू हर। सो ये जो सारा सिनेरियो है, ये क्या था कि वो सोचती हैं कि वो जो कुशन है उसके अंदर क्या फिल करें। सो वो ग्रैंड मदर उनके साथ नहीं होती हैं, मदर भी उनकी नहीं होती हैं, वो क्या करते हैं, सीधा अपने पेरेंट्स के रूम जाती हैं और वो वहाँ पे पीस ऑफ पेपर देखती हैं और वो उसमें फिल कर देती हैं। जो पीस ऑफ पेपर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो स्पीच लिखी होती है उसमें उनके फादर की। सो क्या रिज़ल्ट होता है, मतलब जो केजिया का प्लान था अपने फादर को प्लीज़ करें, वो रिजल्टेड इन डिसप्लीजिंग हिम, एकदम अपोजिट हो जाता है। और जो उनके फादर हैं वो उनके इस स्टेप को, इस एक्शन को लेके बहुत दुखी होते हैं, परेशान और गुस्सा होते हैं, और वो उनको बीट करते हैं रूलर से। सो केजिया डिसाइडेड दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फादर, वट काइंड ऑफ फादर वॉज मिस्टर मैकडोनल्ड एंड हाउ वॉज ही डिफरेंट फ्रॉम केजिया, केजियस फादर। सो केजिया ने सोचा कि अलग अलग तरह के फादर्स होते हैं और कंपेयर करना है आपको मैकडोनल्ड के फादर कैसे डिफरेंट थे केजिया के फादर से। सो केजिया डिसाइड दैट देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फादर, मैकडोनल्ड वॉज अ लविंग फादर, जो मैकडोनल्ड जो उनके नेबर थे वो लविंग फादर थे, ही वॉज वेरी जेंटल एंड फॉरगिविंग, बहुत ही ज़्यादा जेंटल और फॉरगिविंग थे, ही यूज टू प्ले एंड लाफ विद हिज चिल्ड्रन, ही वॉज फ्रेंडली विद हिम। सो वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली नेचर के थे अपने बच्चों के साथ। ही वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम केजियाज़ फादर, हर फादर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट एंड अनफ्रेंडली, ये एकदम केजिया के फादर के अपोजिट था, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनफ्रेंडली थे और स्ट्रिक्ट थे बहुत ज़्यादा। हाउ डज केजिया बिगेन टू सी हर फादर एज अ ह्यूमन बींग हु नीड्स हर सिंपथी? सो केजिया ने अपने फादर को कैसे ह्यूमन बींग देखना शुरू किया, जिनको भी संपत्ति की ज़रूरत थी। वन डे वैन हर मदर एंड ग्रैंड मदर वर एट द हॉस्पिटल, केजिया वॉज लेफ्ट एट होम विद एलिस देयर कुक, एट नाइट शी हैड अ नाइटमेयर। सो ये पूरा वही इंसिडेंट बता रहे हैं कि जब उनकी मदर बीमार थी और वो दोनों अकेले घर थे एलिस, तो रात को क्या हुआ, शी हैड अ नाइटमेयर, शिवरिंग विद फियर शी कॉल्ड फॉर हर ग्रैंड मदर बट सो हर फादर नियर हर बेड। सो जब वो डर के मारे अपनी ग्रैंड मदर को बुलाने लगे, ग्रैनी, बट शी सो हर फादर नियर हर बेड, बट जैसे ही उनकी आँख खुली केजिया की, उन्होंने देखा उनके फादर उनके साथ हैं। ही टुक हर इन हिज हार्म एंड केयरफुली टक्ड हर ऑन हिज बेड, ही देन ले डाउन बिसाइड हर हाफ स्लीप, शी वेंट क्लोज टू हिम, स्नगल्ड हर हेड हर under his arm and held on to his shirt tightly. She saw her father go off to sleep before her. So, जब वो अपने फादर के साथ सोई हुई थी, उन्होंने देखा कि उनके फादर उनसे भी पहले सो जाते हैं, तो वो समझती हैं। She understood that he had to work so hard every day, which made him too tired to behave like Mr. MacDonald. और उनको realize होता है कि जो उनके फादर हैं वो इतना काम करके थक जाते हैं कि उनके इम्पॉसिबल है उनको जैसे मैकडोनल्ड है वैसे बिहेव करना, क्योंकि वो इतने टायर्ड होते हैं, वो मैकडोनल्ड की तरह डेली अपने बच्चों के साथ नहीं खेल पाएंगे। शी टोल्ड हिज फादर दैट ही हैड अ बिग हार्ट, और वो अपने फादर को बोलते हैं कि पापा आपका जो दिल है वो बहुत बड़ा है, दैट यू हैड अ बिग हार्ट। नेक्स्ट ईयर थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। सो देर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ वैन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरिएज ग्रोइंग फेंटर। हेयर ग्लैड मीन्स हैप्पी about something, glad, happy, pleased, delighted, thrilled and overjoyed are
क्या है ये? सिनोनिम्स है, वर्ड्स और एक्सप्रेसिंग दैट हैव द सेम और नियरली द सेम मीनिंग. सो रीड द सेंटेंस बिलो. शी वॉज ग्लैड वेन द मीटिंग वॉज ओवर. द चीफ गेस्ट वॉज प्लीज टू अनाउंस द नेम ऑफ द विनर. सो आपको क्या करना है, ये जो अबव, ये जो ऊपर वर्ड्स लिखे हुए हैं, ग्लैड, हैप्पी, प्लीज, डिलाइट, थ्रिल्ड एंड ओवरजॉयड, ये यूज़ एन अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द सिनोनिम्स गिवन अबव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. क्लूज आर गिवन इन ब्रैकेट्स. सो आपको क्या करना है, जो ऊपर दिए वर्ड्स को इनको यूज़ करना है ब्रैकेट्स में, जिनका वर्ड सिमिलर होगा, समानार्थक होगा. जैसे कि यहाँ पे वेरी प्लीज्ड दिया है, नेक्स्ट में दिया है एक्सट्रीमली प्लीज्ड एंड एक्साइटेड, थर्ड में दिया है एक्सट्रीमली हैप्पी, फोर्थ में दिया है सेटिस्फाइड अबाउट, फिफ्थ में दिया है हैप्पी अबाउट समथिंग दैट वॉज हैपेंड. सो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा, शी वॉज थ्रिल्ड बाय द न्यूज़ ऑफ हर फादर ब्रदर ऑफ हर ब्रदर्स वेडिंग. सो वेरी प्लीज की जगह हम थ्रिल्ड भी लिख सकते हैं. आई वॉज डिलाइटेड टू बी इन्वाइटेड टू द पार्टी. एक्सट्रीमली प्लीज एंड एक्साइटेड अबाउट को हम डिलाइटेड भी लिख सकते हैं. शी वॉज ओवरजॉयड, थर्ड का आ जाएगा ओवरजॉयड एट द बर्थ ऑफ हर ग्रैंड डॉटर. फोर्थ का आ जाएगा प्लीज्ड, द कोच वॉज प्लीज्ड विद हिज परफॉर्मेंस. फिफ्थ का आ जाएगा शी वॉज वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट. नेक्स्ट है, स्टडी द यूज ऑफ द वर्ड बिग इन द following sentences. He was so big, his hands and his neck, especially his mouth. Here big means large in size. Now consult a dictionary and find out the meaning of the big in the following sentences. The first one has been done for you. You are a big girl now, which means older. Today you are going to take the biggest decision of your career. So iska answer kya aa jayega? Today you are going to take the biggest decision of your career, most crucial. थर्ड का आ जाएगा अमेजिंग, द प्रोजेक्ट इज़ फुल ऑफ बिग आइडियाज विच मीन्स अमेजिंग. क्रिकेट इज़ अ बिग गेम इन आर कंट्री. सो क्रिकेट बिग गेम की जगह क्या आ जाएगा, क्रिकेट इज़ अ पॉपुलर गेम इन आर कंट्री. आई एम अ बिग फैन ऑफ लता मंगेशकर, आई एम अ ग्रेट फैन. बिग की जगह क्या आ जाएगा, ग्रेट. यू हैव टू कुक अ बिट मोर एज माई फ्रेंड इज अ बिग ईटर. ग्लटन मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु ईट्स टू मच. सो यहाँ पे बिग की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ग्लटन. वट अ बिग हार्ट यू हैव गोट फादर डियर. सो इसका क्या हो जाएगा, मैग्नैनिमस. मैग्नैनिमस क्या होता है, काइंड या दयालु. वट अ काइंड हार्ट यू हैव गोट फादर डियर. सो नेक्स्ट है वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग. दिस एक्सरसाइज यू हैव टू डू इट योर सेल्फ. सो यहाँ तक हमने हम कर चुके हैं. ये कौन सा था, क्वेश्चन टू, जिसके अंदर आपको क्या करना था कि जो बिग है उसकी उसको आपको रिप्लेस करना था, जिसका मीन्स जिसका मीनिंग सेम हो, है ना. सो ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पर हो चुकी है. किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने जो दोस्त हैं उनको भी ये शेयर करिएगा. सो थैंक यू और टेक केयर.